किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। वहीं पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी की है, जिसको लेकर एक बार फिर ये डर सताने लगा है कि क्या दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार पुलिस पहले से ज्यादा तैयार है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया गया है ताकि कोई भी अंदर न दाखिल हो पाए। इसके अलावा जो कटीली तारे हैं, उसकी एक बाड़ जो है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है। दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर्स पर किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने की पूरी तैयारी है, जिसके लिए 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं टीकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए सबसे ज्यादा हलचल सिंधू और टीकरी बॉर्डर पर देखने को मिली। यहाँ पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। चूंकि पिछली बार 2020 में जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तो सिंगू और टीकरी बॉर्डर से ही हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हुए थे और ये आंदोलन करीब 1.5 साल तक चला था, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी हुई थी। इसलिए प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए इस बार पहले से ही सिंगू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और करीब 3,000 से ज्यादा जवान सिंगू बॉर्डर के आसपास तैनात किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार जो स्पेशल ब्रांच और हरियाणा की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उससे संपर्क में है, ताकि किसानों की का मूवमेंट है कहां कहां पर पहुंचे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। कुछ ऐसा ही हाल टीकरी बॉर्डर का भी है। क्रेन के अलावा जेसीबी को यहां तैनात किया गया है। वहीं बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, साथ ही ड्रोन से भी किसानों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। क्योंकि पिछली बार देखा गया था किस तरीके से किसान उग्र हो गए थे और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, उसी मद्देनजर इस बार दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पहले से कर रखी है। अगर किसान पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए। हालांकि पुलिस की तमाम तैयारियों के बावजूद किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और फिर 16 फरवरी को पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। दरअसल किसान सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग कर रहे हैं। उनकी सरकार से दूसरी मांग है कि किसानों और मजदूरों के लिए सरकार संपूर्ण कर्ज माफी योजना लेकर आए। वहीं देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करने की किसान मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण करने से पहले उनकी लिखित सहमति ले और जमीन के बदले उन्हें कलेक्टर दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। किसान लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी किसानों ने सरकार से मांग की है। दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 1 जैसे हालात ना बने, इसलिए सरकार लगातार किसानों से संपर्क बनाए हुए है। केंद्र सरकार के कई कद्दावर मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए आंदोलन खत्म कराने की तैयारी है। हालांकि सरकार के साथ चल रही बातचीत के बीच किसानों का जत्था पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें हरियाणा में ही रोकने की तैयारी की है, जिसके लिए पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर कड़ा सुरक्षा घेरा बनाया गया है। बॉर्डर पूरी तरह सील कर दी गई है। वहीं लोगों की जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें हरियाणा में घुसने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि पिछली बार किसानों के आंदोलन में घुसे शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया था। इसलिए पहले जैसे हालात ना देखने को मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह जो है वो पूरी तैयारी की गई है कि कोई भी शरारती तत्व किसी तरह से भी कहीं से घुसकर जो है वो वायलेंस का माहौल क्रिएट ना करे। हालांकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की तरफ से की गई सख्ती पर पंजाब सरकार ने कड़ा एतराज जताया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर पंजाब हरियाणा बॉर्डर को भारत पाकिस्तान बॉर्डर न बनाने की सलाह दी है। इंडिया ते पंजाब दा बॉर्डर ना बनाओ, बॉर्डर बनाता हूं ओनी तारा इधर लगी हैं खब्बे पासे पाकिस्तान जान नू, ओनी इधर लगी हैं दिल्ली जान नू। जीन।